इंदौर लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने जीत को लेकर सियासी गुड़ा भाग करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी और सज्जन सिंह वर्मा ने प्रत्याशी पंकज संघवी के साथ बैठक कर जीत की रणनीति बनाई। देखिए खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस द्वारा इंदौर का प्रत्याशी घोषित करने के बाद अब शहर के स्थानीय नेताओं के साथ साथ कमलनाथ कैबिनेट के मंत्रियों ने भी मंत्रणा शुरू कर दी है। पार्टी कार्यालय गांधी भवन में उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी, पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, एक नंबर विधानसभा से विधायक संजय शुक्ला ने कांग्रेस प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में जीत की रणनीति के साथ साथ रूठे नेताओं को मनाने का प्रयास भी किया गया। आज शुरुआत है कि हम सारे वरिष्ठ लोग बैठ गए और हमने एक गाइडलाइन तय कर ली है, जो अभी एक घंटे बाद पूरी व्यवस्था तय करने के बाद हम भी प्रेस से मुखातिब होंगे। आज शुरुआत है कि हम सारे वरिष्ठ लोग बैठ गए और हमने एक गाइडलाइन तय कर ली है, जो अभी एक घंटे बाद पूरी व्यवस्था तय करने के बाद हम भी प्रेस से मुखातिब होंगे। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी पंकज संघवी ने बताया कि रूठों को मनाने के लिए समन्वय बैठक आयोजित की गई है और जल्द ही सभी एक साथ नजर आएंगे। साथ ही साथ उन्होंने प्रचंड वोटों से जीत का दावा भी किया। अभी रणनीति अधूरी है, अभी एक मीटिंग और हो रही है। सबको एक करने का उपदेश था और वो उपदेश पूरा हो गया है। एक समन्वय मीटिंग और अभी एक होने जा रही है, उसमें सब एक हो जाएंगे। कल से आपको सब एक दिखेंगे। एक हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी हम लोग 1,00,000 से ऊपर वोट से जीतेंगे इस बार। कुल मिलाकर बैठक में टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं को मनाने के साथ साथ बूथ मैनेजमेंट पर भी जोर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।